हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं देश की 6वीं और मध्य भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में अभी फिलहाल 5 वंदे भारत चल रही हैं। 3 नॉर्थ इंडिया में, 1 वेस्ट इंडिया में और 1 साउथ इंडिया में। देश में पहली वंदे भारत चली थी 15 फरवरी 2019, जो थी नई दिल्ली से बनारस के बीच। इसके बाद 3 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच दूसरी वंदे भारत चलाई गई थी। तीसरी वंदे भारत थी जो 30 सितंबर 2022 को चली थी मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर कैपिटल के बीच। इसके बाद 13 अक्टूबर 2022 को चौथी वंदे भारत चली थी, जो थी नई दिल्ली से अंधूरा के बीच। और अभी रिसेंटली शुरू हुई है 11 नवंबर 2022 को MGR चेन्नई सेंट्रल से मैसूरू के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों, आपको बता दें कि बनारस से नई दिल्ली और कटरा से नई दिल्ली जाने वाली वंदे भारत फर्स्ट जनरेशन वंदे भारत थी, जबकि मुंबई से गांधीनगर कैपिटल, दिल्ली से अंधूरा और रिसेंटली चली MGR चेन्नई सेंट्रल से मैसूरू के बीच चलने वाली वंदे भारत सेकेंड जनरेशन है। आज 3 नवंबर 2022 को इंडियन रेलवेज की तरफ से खबर आती है कि 6th वंदे भारत सेंट्रल इंडिया में चलेगी, और ये चलेगी हावड़ा मुंबई मेन लाइन के बिलासपुर नागपुर सेक्शन में। आपको बता दें कि बिलासपुर से नागपुर की दूरी 412 किलोमीटर है और इस रूट पे पहले से कई प्रीमियम ट्रेन्स चल रही हैं। बिलासपुर से नागपुर के बीच 2 दुरंतो एक्सप्रेस, 2 हमसफर एक्सप्रेस और 1 राजधानी ट्रेन चलती है। अब आपको बताते हैं कि बिलासपुर से नागपुर के बीच 10 सबसे प्रीमियम ट्रेन्स या 10 सबसे फास्टेस्ट ट्रेन्स कौन सी हैं। तो दोस्तों, 10वें नंबर पे आती है हावड़ा मुंबई CSMT वीकली सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि बिलासपुर से नागपुर तक पहुंचने में 6 घंटे 30 मिनट का वक्त लेती है। दोस्तों, 9वें नंबर पे आती है कामाख्या से मुंबई LTT के बीच चलने वाली कर्मभूमि सुपर फास्ट एक्सप्रेस, ये भी बिलासपुर से नागपुर पहुंचने में 6 घंटे 30 मिनट का वक्त लेती है। दोस्तों, 8वें नंबर पे आती है हावड़ा मुंबई गीतांजलि सुपर फास्ट एक्सप्रेस। यह ट्रेन बाकी जो ट्रेन 2 मैंने बताई उससे 5 मिनट कम लेती है, तो इसका टोटल ड्यूरेशन हो जाता है 6 घंटे 25 मिनट। 7वें नंबर पे आती है बिलासपुर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। यह ट्रेन भी 6 घंटे 25 मिनट में बिलासपुर से नागपुर की दूरी तय करती है। दोस्तों, 6वें नंबर पे आती है शालीमार मुंबई LTT ज्ञानेश्वरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। यह ट्रेन 6 घंटे 20 मिनट का वक्त लेती है। 5वें नंबर पर आती है शालीमार पोरबंदर सुपर फास्ट एक्सप्रेस। यह ट्रेन भी 6 घंटे 20 मिनट का वक्त लेती है। दोस्तों, 4थे नंबर पे आती है शालीमार ओखा सुपर फास्ट एक्सप्रेस। यह ट्रेन भी 6 घंटे 20 मिनट लेती है। दोस्तों, अब बात करते हैं टॉप 3 में कौन सी ट्रेन है। तो दोस्तों, 3रे नंबर पे आती है संतरागाछी पुणे हमसफर एक्सप्रेस। यह ट्रेन 6 घंटे 15 मिनट का वक्त लेती है। दोस्तों, 2रे नंबर पे है हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस। यह ट्रेन 5 घंटे 45 मिनट का वक्त लेती है। और दोस्तों, 1st नंबर पे है हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस। यह ट्रेन भी 5 घंटे 45 मिनट में बिलासपुर से नागपुर की दूरी तय करती है। दोस्तों, इसके अलावा 2 ट्रेन्स ऐसी भी हैं जो बिलासपुर से ही शुरू होती हैं और नागपुर पे ही ख़त्म होती हैं। वो 2 ट्रेन हैं बिलासपुर इतवारी इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह ट्रेन 7 घंटे 5 मिनट का वक्त लेती है। और दूसरी है बिलासपुर इतवारी शिवनाथ एक्सप्रेस। यह ट्रेन 7 घंटे 45 मिनट का वक्त लेती है। दोस्तों, इंडिया के 4 रूट्स हैं जिसे ए ग्रेड लाइन कहा जाता है। इन्हें ए ग्रेड लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे तेज गति में ट्रेन चलने की ट्रैक सक्षम है। इन रूट पर ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल सकती हैं। ये रूट्स हैं नई दिल्ली हावड़ा राजधानी रूट, नई दिल्ली मुंबई फ्रंटियर मेल रूट, नई दिल्ली चेन्नई ग्रैंड ट्रंक रूट और हावड़ा मुंबई, जिसके बारे में मैं अभी फिलहाल आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, केवल ऐसे 4 ही रूट्स हैं जहां पर ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा की रफ्तार में चल सकती है। दोस्तों, ये सारे रूट्स पर ट्रेन 160 चल तो सकती है, बट सेफ्टी और इंडियन रेलवेज की गाइडलाइंस की वजह से यहां ट्रेन 130 की स्पीड पर ही चलती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन ट्रेन के हॉल्ट्स क्या होंगे। तो दोस्तों, अभी उम्मीद की जा रही है कि बिलासपुर से नागपुर तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के स्टॉप्स रायपुर जंक्शन, दुर्ग जंक्शन और गोंदिया जंक्शन हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राजनांदगांव भी स्टॉप हो सकता है।
दोस्तों, ये इंडिया की पहली वंदे भारत ट्रेन होगी जिसका पूरा रूट ए ग्रेड का है, यानी ये पूरा रूट 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को सपोर्ट करता है। इसके पहले चली पांचों वंदे भारत ट्रेन में किसी भी ट्रेन का रूट कम्प्लीटली ए ग्रेड नहीं था, यानी कि कम्प्लीटली 160 की स्पीड सपोर्ट करने वाला नहीं था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ट्रेन की टाइमिंग क्या हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि यह ट्रेन सुबह 6 से 6:40 के बीच बिलासपुर से रवाना होगी और 1 घंटे 15 मिनट के आसपास रायपुर पहुंच जाएगी, और इसी प्रकार रायपुर से दुर्ग 25 मिनट में पहुंच जाएगी। दुर्ग से गोंदिया यह ट्रेन 1 घंटा 40 मिनट में पहुंच जाएगी, और गोंदिया से नागपुर भी यह ट्रेन 1 घंटा 40 मिनट के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक इसी प्रकार ट्रेन दोपहर 1:40 से 3 के बीच नागपुर से वापस बिलासपुर के लिए रवाना होगी। दोस्तों, जैसा मैंने कैलकुलेशन की है, यह ट्रेन पूरे 412 किलोमीटर यानी बिलासपुर से नागपुर और नागपुर से बिलासपुर को कवर करने में 5 घंटे वक्त लेगी, जो कि इस रूट की फास्टेस्ट ट्रेन्स हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस और हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस से ठीक 45 मिनट कम होगा। दोस्तों, जब ये ट्रेन बिलासपुर से नागपुर की तरफ रवाना होगी तो इसमें टी और ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, और जब ये ट्रेन नागपुर से बिलासपुर की तरफ जाएगी तो इसमें स्नैक्स और डिनर दिया जाएगा। दोस्तों, नागपुर से जब ये ट्रेन बिलासपुर लौटेगी उसका टाइम अभी एक्चुअली फिक्स नहीं किया जा सकता। हो सकता है ये ट्रेन लंच के टाइम निकले तो आपको लंच और स्नैक्स मिल सकता है, और अगर ये ट्रेन 3, 3:30 या 4 बजे के बाद निकलती है तो आपको स्नैक्स और डिनर मिल सकता है। दोस्तों, इस ट्रेन में 14 CC यानी AC चेयर कार और 2 EC एग्जीक्यूटिव कार के कोच लगाए जाएंगे। दोस्तों, एक चेयर कार कोच में 78 सीट्स होती हैं और एक एग्जीक्यूटिव कार कोच में 56 सीट्स होती हैं। चेयर कार की टोटल सीट्स हो जाती हैं 1092 और एग्जीक्यूटिव कार की टोटल सीट्स हो जाती हैं 112। यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी, मंडे टू सैटरडे। संडे यह ट्रेन नहीं चलेगी। इस ट्रेन का मेंटेनेंस बिलासपुर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वंदे भारत पे रेगुलर वीडियोस हमारे चैनल पर आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और